कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू ट्रेन सिम गेमिंग। आज बड़े दिनों बाद वीडियो आ रहा है, इसीलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। ये वीडियो लेट आने का रीज़न क्या है, मैं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, यानी कि जो कारण है वीडियो लेट आने का, वो आने वाली गेम प्ले में मैंने आपको बताया है। वैसे सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगा, बहुत सारे लोगों ने हमारे कम्युनिटी टैब सेक्शन पर काफ़ी ज़्यादा पोल वोटिंग पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाया। मैंने बहुत सारे पोल वोटिंग्स डाले थे और इसी हिसाब से मैंने ये गेम प्ले बनाया है। वैसे शंटिंग एक्टिविटी है और एक्टिविटी कैसे डाउनलोड करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए। और ज़रूर से देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक्टिविटी को प्ले मत कीजिए। आज है क्या, आज है फ्राइडे है आज, कल है सैटरडे में आपको एक दिन का समय दे रहा हूँ, उस समय के अंदर आपको पूरा रोलिंग स्टॉक डाउनलोड करना है, रूट डाउनलोड करना है, जिसका मैंने वो एक डिटेल रोलिंग स्टॉक लिस्ट का फाइल है, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक सिंपल सी गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगी, एकदम नॉन रिक्वेस्टेबल लिंक है, तो आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आपको आना है आपके जेड आर्चीवर एप्लीकेशन के अंदर। जेड आर्चीवर एप्लीकेशन आपको पता है, नहीं पता है तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कीजिए जेड आर्चीवर एप्लीकेशन को। जेड आर्चीवर एप्लीकेशन के बिना गाइस आपको कुछ समझेगा नहीं, इसलिए जेड आर्चीवर एप्लीकेशन इज़ वेरी 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 मैंडेटरी। तो आ गए आप अपने डाउनलोड फोल्डर में, और डाउनलोड फोल्डर में आने के बाद आपको सिंपली आपके एक्टिविटी को एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। तो आई होप गाइस आपने एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक किया होगा, और एक्सट्रैक्ट हेयर क्लिक करने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा मेन एक्टिविटी का, और दूसरा है रोलिंग स्टॉक का लिस्ट। और रोलिंग स्टॉक का लिस्ट मैंने जितने भी आपको एडवांस दिए उन सब आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड आपको करने हैं www.thelearningbase.com की वेबसाइट से। लिंक मैं आपको दे दूंगा, वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसी हिसाब से आप जाके संपूर्ण रोलिंग स्टॉक लिस्ट को फॉलो करते हुए सब कुछ आपको करना है डाउनलोड, ठीक है। रोलिंग स्टॉक गाइस बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोलिंग स्टॉक के बिना आपकी एक्टिविटी बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाली है। और रूट जो कंपलसरी है इस एक्टिविटी को प्ले करने के लिए, वो है जबलपुर कटनी वर्जन 1 बाय ट्रेन गेमर्स आदित्य, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इतना आपने कर लिया, सब कुछ रेडी कर लिया, अब बारी आती है मेन एक्टिविटी को डालने की। तो गाइस सिंपली ये जो मेन एक्टिविटी है, इसको आपको सिंपली यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, पर करिए ज़रूर, अगर नहीं करेंगे तो एक्टिविटी वर्क नहीं करेगी, इसलिए तो कर लिया आपने कट कॉपी। और जाना है आपको डिवाइस मेमोरी में जाना है, फिर उसके बाद एंड्रॉयड में जाना है, डेटा में जाना है, उसके बाद com.n3v गेम्स के फोल्डर में जाना है, फाइल्स में जाना है, यूज़र डेटा में जाना है, ओरिजिनल में जाना है। ओरिजिनल में जाने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑलरेडी हैश अगर आपने बनाए होंगे तो ठीक है, अगर कुछ भी कोई भी प्रकार का हैश फोल्डर नहीं बना होगा तो आप कौन सा भी हैश बना के आप पेस्ट कर सकते हो। मैं #7 में पेस्ट करूँगा, ठीक है, मैं #7 में इसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। काम खत्म, रुकिए, काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। आपको सिंपली पीछे आना है, और पीछे आने के बाद ये जो ट्रेन टेक्सचर्स ऑप्शन है इसके ऊपर अगर assets.tdx वाली फाइल अगर अप्लाई होती है, अगर बाई चांस आती है, तो उसको सिंपली वहाँ से करना है डिलीट। गाइज इस ट्यूटोरियल वीडियो को अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई एक्टिविटी वर्क नहीं करिए यार, तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप बस वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, मेरी बात मानिए, आपकी एक्टिविटी सक्सेसफुली रन करेगी अगर आप मेरे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हो। तो आई होप गाइज आपने assets.tdx वाली फाइल भी डिलीट की होगी। तो सक्सेसफुली गाइज हमने अपने गेम को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद सबसे पहले हम रूट्स में जाएंगे, रूट्स में जाने के बाद हम ढूंढेंगे जबलपुर कटनी वर्जन 1 रूट बाय ट्रेन गेमर्स आदित्य, ठीक है, आपको मिल ही जाएगा अगर आपने रूट को इंस्टॉल किया होगा तो, ठीक है। रूट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी गाइस, ठीक है, रूट तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्टिविटी का, ठीक है। तो आपको वहीं पर मिल जाएगी शंटिंग एक्टिविटी ऑफ दयोदया एक्सप्रेस। गाइस इस एक्टिविटी को बिल्कुल भी प्ले मत कीजिए अभी के लिए, तो आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे, एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से डाउनलोड करके रेडी रखिए, संडे को परफेक्ट 12:15 बजे ट्रेन सिम गेमिंग पर गेम प्ले आ जाएगा, पूरा शंटिंग एक्टिविटी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हाई ट्रैफिक वाली शंटिंग एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटीज से गाइस ये एक्टिविटी थोड़ी सी अलग है, तो इसलिए बोल रहा हूँ एक दिन का वेट कीजिए, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 24 घंटे का, तो मतलब 24 से ज़्यादा होंगे एक्चुअली, ठीक है, उसी हिसाब से आप थोड़ा सा गाइस वेट कर लीजिए, जितना आप अच्छा से वेट करेंगे उतना ही आपको एक्टिविटी खेलने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो आई होप गाइस आपने मेरे स्टेप्स को अच्छे से ध्यान से फॉलो किया होगा, और संडे को जो वीडियो आएगा 12:15 को वो आप देख लेना,
वो तो आपको मज़ा आएगा ही आएगा, और उसी हिसाब से आप एक्टिविटी प्ले करना। ओके सो गाइस, इसी के साथ ये टोटल वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और एक्टिविटी डाउनलोड करने पर कैसी लगी वो आप मुझे गेम प्ले खेलने के बाद आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं इस वीडियो में या आने वाले गेम प्ले वाले वीडियो में। ओके सो तब तक के लिए गाइस टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और जाते जाते अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइए। और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं trainsimgaming.official, नाम है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अधिक जानकारी के लिए कम्युनिटी टैब पर आप देख ही सकते हो। ओके सो गुड बाय गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।